ताइवान में बहुत बुरा जलजिला आया है, अर्थक्वेक आया है जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 है, बहुत वहाँ पर तबाही हुई है, बिल्डिंग्स गिरी हैं, लोग मरे हैं। इसी में सबसे पहले दुनिया में जिसने मदद की ऑफर की है वो है भारत। और इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है, भारतीय जो ताइवान में मौजूद हैं उनकी मदद के लिए नंबर जारी किए गए हैं, साथ ही मदद के लिए ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। Meanwhile, Taiwan has praised India for helping. भारत ने फौरन से एडवाइजरी जारी की जिसके जरिए वहां पर इंडियन नेशनल्स की ना सिर्फ बल्कि ताइवानियों की भी जान बचाई गई है। इंडियन एसोसिएशन जो कि ताइवान के अंदर मौजूद है वो बहुत जल्द एक्टिव हो गई थी, ताइवानियों की और इंडियन नेशनल्स की दोनों की वहां पर जान बचाई गई है। भारत वो पहला मुल्क बन गया जिसने मदद की भी ऑफर की है ताइवान को और मदद करेगा भी भारत ताइवान की। In the aftermath of today's tragic earthquake in Taiwan, the India-Taipei Association has issued an urgent advisory for Indian nationals residing in Taiwan. आप देखें ना, इस्लाम वो हमें टेररिस्ट समझते हैं, हमें बुनियादपरस्त समझते हैं। Despite Chinese pressure, को बहुत देने वाले बहुत हैं, हमारी पाकिस्तान की मदद उन्हें चाहिए भी नहीं है, ऐसे भूखे नंगे कौम की मदद उन्हें क्या करनी है। We begin with the news that a powerful earthquake has hit the east coast of Taiwan with reports of at least 4 dead and 50 people injured. हम उछल रहे हैं, वो किसी की मदद करेंगे तो हम उछल जाते हैं, वो अपनी कंट्री में कोई डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे खिलाफ साजिश हो जाती है। भाई वो क्या करे, वो अपनी कंट्री के लिए हर काम करते हैं, हम समझते हैं कि हमें बदनाम करें। Let's get you the latest news coming in regarding Taiwan, and we're talking about the emergency services. चाहे उनके दिल में जो मर्जी हो मुस्लिम्स के लिए या जिसके लिए भी मुझे नहीं पता, I don't know, वो तो उनका अपना काम है, लेकिन वो स्माइली फेस हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, एटलीस्ट शो करते हैं। ये एक ईमान की बात भी है, हिम्मत की बात भी है, और एक विजन की बात भी है, किरदार की बात भी है। बिल्कुल, हम तो छोटी सी किरदार, बिल्कुल, आप तो छोटी सी बातों पर घबरा जाते, शो करते, वो किसी की मदद करे तो वो शो करते हैं, वो मुसलमानों के लिए फैसिलिटीज दे तो वो दिखावेबाज है, वो क्या करे। दरअसल भारत ने एक बार फिर से विश्व गुरु वाली भूमिका निभाई। 1400 साल पहले इस्लाम था, तब मदीना में यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, और सबकी मदद होती थी। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, खबर ये है कि अभी रिसेंटली ताइवान ने ऑफिशियली थैंक यू किया है इंडिया का। क्या है ये बायकॉट सर्टिफिकेट्स है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उन ब्रांड्स के लोगोज हैं जिन्हें बायकॉट करना है, इससे ये होगा कि हमें सबको बायकॉट करने से जो इनके अंदर पाकिस्तानी लेबर यहाँ काम कर रहा है उनका क्या करेंगे। ताइवान के हवाले से, ताइवान में बहुत बुरा जलजिला आया है, अर्थक्वेक आया है जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 है, बहुत वहाँ पर तबाही हुई है, बिल्डिंग्स गिरी हैं, लोग मरे हैं। इसी में सबसे पहले दुनिया में जिसने मदद की ऑफर की है वो है भारत। भारत ने फौरन से एडवाइजरी जारी की जिसके जरिए वहाँ पर इंडियन नेशनल्स की ना सिर्फ बल्कि ताइवानियों की भी जान बचाई गई है। इंडियन एसोसिएशन जो कि ताइवान के अंदर मौजूद है वो बहुत जल्द एक्टिव हो गई थी, ताइवानियों की और इंडियन नेशनल्स की दोनों की वहाँ पर जान बचाई गई है। भारत वो पहला मुल्क बन गया जिसने मदद की भी ऑफर की है ताइवान को और मदद करेगा भी भारत ताइवान की। बढ़ते मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि भारत हमेशा दुनिया की मदद करने के लिए तैयार क्यों रहता है? क्योंकि उनके पास वसाइल ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनके पास पैसे ज़्यादा है, हम गरीब हैं। हाँ। लेकिन पैसे ज़्यादा भी हैं तो दुनिया की मदद के लिए क्यों वो रेडी रहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है ना, जब अपनी आवाम खुशहाल होगी तो तभी तो वो दूसरों की हेल्प कर सकेंगे ना, इसलिए वो दूसरों की भी हेल्प कर देते हैं। हमारी अपनी आवाम खुशहाल नहीं है, इसलिए हम अपनी आवाम को नहीं खुश रख पा रहे, तो दूसरों को कैसे रखेंगे? उनके पूरी दुनिया में नारे लगते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम अपनी बात करें, हम दुनिया में आपको कितना एक्टिव नजर आ रहे हैं। तुर्की में जलजला है, हमने उन्हीं का सामान रीपैक करके उनको वापस कर दिया, तुर्की ने वो हमें चीज जितलाई भी थी, उन्होंने हमारे मुंह पे चांटा भी मारा था इस चीज़ से रिलेटेड। उसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज में क्राइसिस है, हमने अपना किरदार अदा नहीं किया। भारत की बात करते हैं, उनमें और हमें व्हाट इज़ द डिफरेंस? आप यहीं से अंदाज़ा कर लें, जब हमारे पाकिस्तान वाले हमारे बारे में नहीं सोचते तो वो दूसरे कंट्रीज़ के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जब वो हम अपने जो मुल्क के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं ना, तो वो ऐसे ही रुल रहे हैं, और कितने ज़्यादा आपको भी पता होगा कितने मिलियंस लोग हैं जो कि अब ना माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं हमेशा के लिए, तो वो जब अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी पब्लिक के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरों के बारे में सोच लेंगे? उनकी दुनिया में नारे लग रहे हैं इंडिया जिंदाबाद के, हम लोगों के चैंट्स क्यों नहीं कहीं पर लग रहे? क्यों हम इतना कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हम कमज़ोर हैं। इंडिया में ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया का ये है कि वो चाहे उनके दिल में जो मर्जी हो मुस्लिम्स के लिए या जिसके लिए भी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, वो तो उनका अपना काम है, लेकिन वो स्माइली फेस हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, एटलीस्ट शो करते हैं।
शो करते हैं वो किसी की मदद करे तो वो शो करते हैं, वो मुसलमानों के लिए फैसिलिटीज दे तो वो दिखावेबाज है, वो क्या करे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिखावे करते हैं, मतलब दुनिया को दिख रहा है कि वो जो करते हैं ना वो शो कर रहे हैं कि हम करते हैं। हम चाहे अपने लिए अपने दिल में बहुत ज्यादा उनके लिए हमदर्दी रखते हो कि वो उन वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, ये हो गया वो गया, हम दिल में बहुत रखेंगे लेकिन हम उनके लिए कुछ करते नहीं है। क्या है ये बायकॉट सर्टिफिकेट से ही होगा कि इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उन ब्रांड्स के लोगोज हैं जिन्हें बायकॉट करना है। इससे ही होगा कि हमें सबको बायकॉट करने से जो इनके अंदर पाकिस्तानी लेबर यहाँ काम कर रहा है उनका क्या करेंगे? जो पाकिस्तानी लेबर यहाँ काम कर रहा है यहाँ पाकिस्तान के अंदर और भी जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं अगर हम उनको प्रमोट करें और जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अगर उन लोगों को हम प्रमोट करें तो उन लोगों को बहुत सारी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपने मुझे ये तो दिखा दिया है लेकिन मुझे ये बताएं सरहद पार पे हमारे जज्बात वो उभरते हैं कि जिसका मैं बता नहीं सकती। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तानी भी मर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तानी भी मर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमसे रुजू कर रहे हैं कि हमें फैसिलिटीज़ दो, वो वहाँ पर मर रहे हैं इतने बुरे हालात में। इस्लामाबाद तक बलोचियों का प्रोटेस्ट गया था, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? वो भी मुसलमान है और जो प्रोटेस्ट होता है उसका असर तो होता है। अगर उसका असर कोई बैनर या कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर मैंने देखा नहीं, कोई बैनर नहीं लगा हुआ है उनके लिए यहाँ पर, क्या मसला है? मे बी अवेयरनेस का इशू है लेकिन बात यह है कि हर किसी को इस इशू के बारे में एटलीस्ट पता है। जब वो निकले हैं बाहर तो अगर हुकूमत को वो उस तरह से नहीं हिला सके या कोई असर नहीं क्रिएट कर सके लेकिन एक जो असर था उन्होंने अवाम के दिलों के ऊपर ज़रूर क्रिएट किया, अवाम को ज़रूर पता लग गया कि वो मजलूम है और अवाम ने उनका साथ होगा। देखें ये एक और बात है, बिज़नेस करना एक और चीज़ है, जब एनिमी के अंदर आप किसी एक पार्टी का हिस्सा बनते हैं वो एक और चीज़ है। अगर आपने बिज़नेस करना है तो उस लिहाज से इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ भी पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया का साथ देते हैं क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अभी जनवरी के अंदर दुबई में था जी, मेरे पास वीडियो मौजूद है, वहाँ पे अर्ब हेल्थ लगती है, एक बहुत बड़ा फेयर होता है, ये एक एग्जीबिशन है जो कि मेडिकल के रिलेटेड होती है। वहाँ पर आप यकीन करेंगे पाकिस्तान का सिर्फ एक स्टॉल था और वो भी ये इंस्ट्रूमेंट सियालकोट के बने हुए, और इंडिया की पूरे का पूरा हॉल थे, मेरे पास वीडियो मौजूद है। इतने लेटेस्ट फ्यूचर वो खुद बना रहा है, वो कार्डिक मॉनिटर वो खुद बना रहा है, वो हज़ारों चीज़ें खुद बना रहा है। ये जो होता है ना हमारे बॉर्डर के ऊपर आ जाएं, वाघा बॉर्डर पे, गंडा सिंह बॉर्डर पे टांगे उठा उठा के हम वो मुकाबला कर रहे होते हैं, तो हमें उनका मुकाबला टेक्नोलॉजी में करना चाहिए। उन्होंने अभी ड्रोन पर काम कर रहे हैं, ड्रोन को इंडिया अभी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर। जाहिर है वो बना सकता है भाई, उसकी लेबर बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में उसको बाकी चीज़ें सारी बहुत इकोनॉमिकल मिलेंगी, तो उसको करना। तो आजकल इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।